Exercise, regular exercise is especially important for people with diabetes. Okay? It helps with blood sugar control, weight loss and high blood pressure. 3 inches ko control hoga if you do regular exercise. Now, important thing is, people with diabetes who exercise are less likely to experience a heart attack. With diabetes, agar people hai, if they do go for exercise, there are less chances of having heart attack or stroke. Brain mein koi aisa problem ho, aisa kam hota hai. Here are some exercise consideration. Always check with your doctor before starting a new exercise program. अभी किसी ने आपको नया एक्सरसाइज बता दिया, मैंने ऐसा एक्सरसाइज करने को शुरू किया तो मुझे वो आसन में बोला कि उससे इंसुलिन अच्छा सीक्रेट होने को लगता है. पॉसिबल है बॉस, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है. ओके, पॉसिबल है, बट कंसल्ट योर डॉक्टर. ये मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं, शैल आई डू इट और नॉट? अगर आपको नहीं मालूम है तो मुझे बताओ किसके पास जाने का. सी, एवरीथिंग इज नॉट नोन टू एवरीबडी. Maybe my doctor may not know it. मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मुझे कुछ एडवाइस नहीं कर सका जैसा एडवाइस करना चाहिए था. I should find out somebody else. I should ask him. Tell me somebody where I can go him and ask. Okay? So, this is very important, first point. And second, ask your doctor nurse if you have the right footwear. Footwear जो है ये right लेने का अपने को. Right से मतलब क्या है? Comfortable होना चाहिए, अंदर कहीं लगना नहीं चाहिए. लग गया थोड़ा सा कट गया, दर्द होने वाला नहीं इसलिए हम ध्यान नहीं देंगे. देयर वोंट बी एनी पेन. डायबिटिक पेशेंट को फुट में जब भी प्रॉब्लम होता है या कहीं भी एक्सट्रीमिटीज में प्रॉब्लम होता है तो उसको पेन नहीं होता, बिकॉज उसका सेंस जो है वो लो हो जाता है. ओके, नाउ चूज एन एंजॉयबल फिजिकल एक्टिविटीज दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर योर करंट फिटनेस लेवल. आपको म्यूजिक अच्छी लगती है, आप डांस कर सकते हो, आप करो. कुछ जरूरी नहीं कि यू गो टू जिम ओनली. You need to move your body. Okay. Whatever you feel अच्छा है करके, चलने का अच्छा है चलो, दौड़ने को अच्छा लगता है दौड़ो. ठीक है, घर में बैठ के म्यूजिक लगा के आपको बॉडी शेक करने को अच्छा लगता है करो, बट डू इट रेगुलरली ऑन द सेम टाइम. देन एक्सरसाइज एवरी डे एट द सेम टाइम ऑफ द डे इफ पॉसिबल. मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर एंड आफ्टर द एक्सरसाइज. इससे एक फायदा क्या होगा, बिफोर एक्सरसाइज आपने मालूम किया ज्यादा है, एक्सरसाइज के बाद आपको मालूम पड़ गया कम हो गया. कितना कम होता है आधा घंटा एक्सरसाइज करने से, विल कम टू नो. एंड देन यू हैव टू फिक्स अप दैट टाइम. आधे घंटे में इतना कम होता है, चलो मैं 45 मिनट करता हूं और कम हो जाएंगे. नाउ हाउ वो कम होता है दैट आई विल टॉक टू यू नेक्स्ट. देन कैरी फूड दैट कंटेन फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट. वेल सम टाइम व्हाट हैपेंस इज यू डू एक्सरसाइज एंड योर ब्लड शुगर लेवल कम्स डाउन बिलो नॉर्मल हो जाता है. That is hypoglycemic condition. घबराहट हो जाएंगी, पसीना छूट जाएगा, shock condition. So what you need is carbohydrate का कोई ऐसा liquid fast acting. Become hypoglycemic during or after the exercise. Carry a diabetic adult. So well, वो तो सब emergency के लिए. Okay, which is very uncommon in our this nation. Okay, so carry a diabetic identification card and cell phone in case of emergency. Exercise करने को जाते हो, don't forget your cell phone so that नंबर भी ऊपर रखने का, जिस जो आपके सबसे करीब है उसको घुमाने का. मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, आई एम फीलिंग गिडी, मैं इधर हूं फलानी जगह पे हूं, इन्फॉर्म दे सो दैट केयर कैन बी टेकन. ड्रिंक एक्स्ट्रा फ्लूइड दैट डू नॉट कंटेन शुगर बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एक्सरसाइज. उसके अंदर शुगर नहीं होना चाहिए ऐसा पानी, प्लेन वाटर. ओके, बिफोर एक्सरसाइज भी पीना है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी थोड़ा थोड़ा पीना है and after exercise. You may need to change your diet or medication dose if you change your exercise intensity. Okay? अचानक आपने समझो सोच लिया कि आज से मैं एक घंटा काम करूंगा, एक घंटा एक्सरसाइज करूंगा. You are doing exercise only for 30 or 35 minutes. Today you have decided I'll be doing my exercise for 1 hour. आपने सडन चेंज किया, so now you need to change your diet and medication also. तो वो भी मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी मैनेज करना पड़ेगा. फुट केयर का प्रॉब्लम तो बता दिया मैंने इन शॉर्ट एक्सपेक्टेशन. नाउ व्हाट इज प्रोग्नोसिस? प्रोग्नोसिस इज इस बीमारी से एक्सपेक्टेशन, क्या क्या एक्सपेक्ट, क्या क्या बुरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम.
with good blood glucose and blood pressure control, many of the complications of diabetes can be prevented. Okay? If you control your blood glucose, many of the diabetic complications can be prevented. Hoga hi nahi aapko. Okay. Studies have shown that strict control of blood sugar, cholesterol control, blood pressure control, levels in person with diabetes help reduce risk of kidney disease, eye disease, heart attack and stroke. Ye teen cheez ko aapne control kar diya, sugar, cholesterol and blood pressure, ye niche ke disease aapko automatic control. Complications will. Long-term complications include, long-term complications kya hai? Atherosclerosis. ये सब जो vessels है, वो thick हो जाएंगे. जो blood vessels है, वो thick हो जाएंगे. Coronary artery disease. Bypass surgery करना पड़ेंगे. Okay. Diabetics, neuropathy. जिसमें sense lose हो जाता है. Loss of sense. Neuropathy. Nerves जो है. Then diabetic retinopathy, as I said, आंख के अंदर problem हो जाएगा. Erection problem, male के अंदर erection का problem होता है because sensitivity कम हो गई. Okay? Hyperlipidemia, lipid level बढ़ जाता है. Hypertension, blood pressure बढ़ जाता है. Infection of the skin, skin infection common हो जाता है. Usually female urinary tract में होता है. Peripheral vascular disease, जो vessels है ब्लड सप्लाई करने वाले वो टूट जाएंगे. अभी आप किसी के पांव में देखना है, सब ब्लैक ब्लैक दाग आ जाता है. सो दोज वेसल्स आर ब्रोकन वेसल्स. ओके. और यू कॉल इस पर्पुरिक हेमोरेजिका. पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएंगे. इफ यू हैव सिम्टम्स ऑफ एक्सट्रीमली लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसेमिया, कोमा में जा सकता है पेशेंट. हैंस इंसुलिन, और कभी कभी इंसुलिन का रिएक्शन हो जाता है, हाई रिएक्शन होता है, उससे भी हो सकता है. प्रिवेंशन, मेंटेन एन आइडियल बॉडी वेट. करंटली देर इज नो वे टू प्रिवेंट टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट. ऑल्सो सडन जो होता है वो, उसको कुछ कंट्रोल करने का वो नहीं. जस्ट मिनट. करंटली देर इज नो वे टू प्रिवेंट टाइप 1 डायबिटीज. देर इज नो इफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर टाइप 1 डायबिटीज. Now, screening of type 2 diabetes and people with no symptom is recommended for overweight children. Overweight children hai, unhone apna screening karna hai. Okay? Starting at the age of 10 and repeating every 2 years. Those all obese children, okay? Jo mote bachche hai, humko achche lagte hai, chubby bachche achche lagte hai, isn't it? Magar 10 saal ke baad mein ya to unka weight kam karo, ya to fir every 2 years unka blood sugar check karo. Okay? Then, ओवरवेट जो लोग हैं उनका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स मालूम होना चाहिए. एडल्ट ओवर 45 इयर्स, रिपीट एवरी 3 इयर्स डायबिटीज का जो स्क्रीनिंग है वो स्क्रीनिंग करा लो. टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज, डॉक्टर्स के पास विजिट करो. ओके. ये कुछ टेस्ट है जो रेगुलरली, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ये टेस्ट सारे करना. ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन A1C, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, LDL एंड HDL, ये सब चेक करना. माइक्रो एल्बुमिनुरिया, सीरम क्रिएटिनिन, देन डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंख का भी टेस्ट करना है आपको. एवरी 3 इयर्स, तो इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, एवरी 3 इयर्स तो कंप्लीट चेकअप करने का, सो दैट इफ समथिंग इज हैपनिंग टू हिम, ही शुड नो इन एडवांस एंड गेट रेडी फॉर इट. यू नो सर, दैट्स ऑल. थैंक यू. Anybody, any questions? Yes.